सी के कादर मुतलक जलाली मुक़दस नाम में मेरे सब सुनने वालों को सलाम और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस मौके के लिए कि उसने अपने मुकदस कलाम की बातों के लिए और मुनादी के लिए मुझ ना चीज़ को चुना मैं पादरी साजिद यूनस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ अदारा पी एम आई की इस टेलीविजन ट्रांसमिशन की खुदावंद की सारी प्रोविजन के लिए कि जिसके वसीले से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग खुदांद के कलाम से फैज याब हो रहे हैं और मैं आज के कलाम को शुरू करने से पहले मैं दुआ करना चाहता हूँ खुदा सालूस बहरबर के खालिक और मालिक मुसी यु में हमारे बुज़ुर्ग आसमानी बाप दिल की अथा ग्रैं से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे बड़े फ़जल मेहरबानी और करम नवाजी के लिए ए खुदा इस ऑपरचुनिटी के लिए और इस मौके के लिए तेरी शक्र गुज़ारी कि तूने अपने कलाम के भेदों को हम पर खोला ताकि हम दूसरों की ज़िंदगी के लिए बरकत और निजात का वसीला बने ऐ खुदा इस सारे सेशन में मेरी और सुनने वालों की मदद फरमा और हमारे कानों दिलों को मसा कर ताकि तेरे कलाम के भेद जान कर अपनी ज़िंदगी में तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें मसीह के नाम से आमीन अजीज़ो आज कलाम मुकद्दस में से जिस मुकद्दस किताब में से हम पढ़ेंगे बाइबल मुक़दस की पुराने पुरानेदनामे की दूसरी किताब है खरूज की किताब और उसका तीसरा बाब पहली आयत से लेकर लिखा है खुदा के कलाम में और मूसा अपने खुसर यु की जो मिदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बेबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरब की नज़दीक ले आया और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में से उस पर ज़ाहिर हुआ उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है पर वो झाड़ी भसम नहीं होती तब मूसा ने कहा मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा ए मूसा ए उसने कहा मैं हाज़िर हूँ तब उसने कहा इधर पास मत आ अपने पाँव से जूता उतार क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस ज़मीन है फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी अब्राहम का खुदा और इजहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ मूसा ने अपना मुँह छिपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था और खुदामंद ने कहा मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सब से है सुनी मैं उनके दुखों को जानता हूँ मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है यानी कि नानियों और हितियों और अमूरियों और फिरजियों और हिवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची है मैंने वो जुल्म भी मिस्री उन पर करते हैं देखा है सो अब आ मैं तुझे फिराउन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूँ जो फिराउन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊँ उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा इसका मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे कलाम का पढ़ा सुना सबों के लिए से बरकत हो आमीन मेरेजीज़ों ये पैरा जो आपके सामने पढ़ा गया कौम इसराइल को खुदा मिस्र की गुलामी से निकालने वाला है और उसने अपने बंदा मूसा को चुना और खुदा के बंदा मूसा का चुना जाना और मुल्क मिस्र में से निकालने का प्लान इसराइल कौम को गुलामी से छुड़ाने का प्लान खुदा का और इस सारी पैरे की सारी बातों का जो कंक्लूजन है वो मेरे दिल में एक मजमून के खुदावंद की हजूरी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है खुदा की मौजूदगी के बगैर आप किसी भी चीज़ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं आज यही मेरा मजमून है कि खुदा की हजूरी या खुदा के कब और किस जगह पर आके ठहरता है आज ये नुक़ात मेरे और आपके लिए काबिल गौर हैं अगर हम इस किताब जो खरूज की किताब है जिसका मतलब है एग्जिट यानी कि खारिज होना निकलना शायद आज ख़ानदानों में जाती ज़िंदगी में माशरती ज़िंदगी में फ़ाइनेंशली स्पिरिचुअली कलीसियाई तौर पर लीडरशिप में लोग ऐसे चुंगलों में फंसे हुए हैं ऐसी दीदनी ना दीदनी बातों के कब्ज़े में हैं लोग आज़ाद होना चाहते हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन हमें इस बला से इस कैद से रिहाई दिलाएगा लेकिन इस किताब मुकदस के वसीले से आप सबों के लिए एक बड़ा पैगाम है अगर हम खरूज की किताब उसके पहले बाब की सातवीं आयत पर गौर करें तो लिखा हुआ है इसराइल की औलाद ब्रोमंद और कसीरुल अलतादाद और फ़रावान और निहायत जोरावर हो गई और वो मुल्क उन से भर गया और यहाँ पर इसराइल कौम की नोयत चेक करिएगा गौर करें कि वो बहुत बढ़ गए वो फरावान हैं वो तादाद में ज्यादा हैं वो ताकत में ज़्यादा हैं आज शायद कलीसियाए गिरजाघर या बहुत बड़े प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स या हमारे पास फॉरेन एड्स या फंड्स बहुत सारी स्ट्रेटजीज सा हमारे पास हैं लेकिन रूहानी तौर पर और स्पिरिचुअल लाइफ में ख़ानदानी तौर पर कलीसियाई तौर पर लोग आज़ाद नहीं हैं लोग आ, अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते हैं स्टिल वो ग़ुलामी में स्टिल वो नाउमीदी में जिंदगी बसर कर रहे हैं आज उन सब के लिए एक हतमी पैगाम है रिहाई और मखलसी और छुटकारे का और निजात का और आपके लिए जो छुटकारा है उसका पैगाम ये है कि आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूजा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पाए निजात मखलसी छुटकारा और रिहाई और फ्रीडम और आज़ादी ये सब कुछ यसुम सी नासरी के वसीले से मुमकिन हो सकता है खुदा के वसीले से मुमकिन हो सकता है खुदा के अलावा कोई बशर कोई कौम कोई कबीला कोई बादशाह कोई सुरमा आपको आज़ादी नहीं दे सकता है गौर करिएगा कौम इसराइल के पास मूसा भी है कौम इसराइल के पास यशवा भी है बड़े बड़े लीडर्स हैं लेकिन खुदा की प्रेजेंस उसकी हजूरी के बगैर सब कुछ नामुमकिन है आप कुछ नहीं कर सकते खुदा के बगैर उसके पाखरू के बगैर उसकी अनोइंटिंग के बगैर उसकी मौजूदगी के बगैर उसके हाथ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं आज इसी पैरे के वसीले से मैं ये बयान करना चाहता हूं कि ये जलती हुई झाड़ी ये आज की मौजूदा कलीसिया की तस्वीर है और जो आग रोहल कुछ की खुदा की उसमें लगी हुई है और वो आग जिसने झाड़ी को चुना और उस पर ठहर गई और उसके वसीले से आजादी का पैगाम और लीडर्स को प्रोवोक करने का तहरीक देने का पैगाम आज जो झाड़ी की मिसाल है कुछ कोस वाले दिन आग की सूरत में पर ठहरा हुआ है और वो आजादी का पैगाम और लीडर्स को बेदार करने का पैगाम वो सरबराहान को सही डायमेंशन और रस्ता दिखाने का पैगाम दे रहा है आज खुदा का पाख मेरा आपका मददगार है आइए इस पैरे में से इस आज़ादी के मुकाशफे को हासिल करें हम कैसे अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो सकते हैं कैसे ग़ुलामी से निकल कर इबादत कर सकते हैं बहुत सारे लोग वो ग़ुलामी में हैं गो के इबादत कर रहे हैं गो के बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं लेकिन वो ग़ुलामी से इब्लीस के चुंगल से इब्लीस के हरबों से आज़ाद नहीं है हमारी जंग रूहानी है गोश्त और खून से हमारी जंग नहीं है अजीजों इसलिए सबसे पहला काम सबसे पहला नुकता सबसे पहला सबक के एक झाड़ी उसकी सूरत से उसके नुकते से हम क्या सीखते हैं कि एक झाड़ी जो है वो सबसे पहले खुदा के रहने की खुदा के लिए डिवेलिंग प्लेस बन गई है खुदा उसमें ठहर गया है खुदा उस पर उतरा हुआ है खुदा उसमें बसता है आज सबसे पहला पैगाम आप सब के लिए खुशकिस्मत है वो लोग खुशकिस्मत है वो दिल वो घर जिनके अंदर खुदा रहता है जिनके दरमियान खुदा रहता है जिनके साथ खुदा रहता है खुदा की हजूरी जिनके साथ है और मेरे अजीजों अगर हम खुदा की हजूरी पर खुदा की मामूरी पर गौर करें खुदा आपके पास है आपके पास कुछ भी ना होगा आपके पास दौलत ना हो सोना चांदी ना हो आप मुकद्दस हैं आप मुबारक हैं अगर आपके पास खुदावंत की हजूरी उसका पाक रू और ये सुमसी नासरी है याद करिएगा पतरस और योहन्ना को जब वो हैकल में जा रहे थे लिखा है कि वो तीसरे पहर के करीब हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे और एक जन्म का लंगड़ा वो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बिठा दिया गया और उनके जब उसने मांगने की गरज से भीख मांगने की गरज से उनसे कुछ मांगा उनसे तो की तो खुदा के बंदे पतरस और योहन्ना फरमाते हैं कि ए शख्स ए इंसान ऐ बंदे ए भिकारी ऐ लंगड़े शख्स माज़ूर शख्स ना नाउमीद शख्स देख सोना और चांदी हमारे पास नहीं है लेकिन यसुमसी का नाम उसकी हजूरी उसका पाख उसका इख्तियार हमारे पास है यसु के नाम से उठ और चल फिर अगर आपके पास अगर आपके अंदर आपके दिल में आपके घर में खुदा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए सब कुछ मुमकिन है और मेरे अजीजों आप खुशकिस्मत हैं कि जब आप के अंदर खुदा रहता है और जब खुदा किसी के अंदर रहता है तो वो कीमती है वो आला शख्स है वो इन इंटेलिजेंट है वो इंतहाई अक्लमंद शख्स है मुझे याद आ रहा है खुदा का बंदा दानियल नबी और लिखा हुआ है कि बादशाह का नज़र जब एक ख्वाब देखता है और लिखा हुआ है कि दानियल को जब इस बात की खबर पहुंचती उसको बुलाया जाता है और जब दानियल उस बात की तबीर करता है उस ख्वाब को ज़ाहिर कर देता है तो उस वक्त नबूक नज़र गैर कौम बादशाह ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि यकीन इलाहों की रूह इसके अंदर है खुदा की रूह इसके अंदर है खुदा इसके अंदर बसता हुआ खुदा इसके अंदर रह के काम करता है तो इसलिए मेरे अजीजों अगर आपके अंदर आपके दिल में आपके घर में आपके लफ्सों में आपकी आंखों में कानों में आपकी गृहस्थी में आपकी कलिसिया में आपके जहन में अगर खुदा की हजूरी खुदा का पाखरू खुदा की बातें खुदा के प्लान्स और खुदा ही पर आपका तकिया और तवक्ल है तो यकीन मानिएगा आप कीमती शख्स हैं आप आला शख्स हैं आपके पास स्ट्रेटजीज हैं आपके पास नए वलवले जज्बे हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो काम आप सोने चांदी से रुपए पैसे से नहीं कर सकते खुदा आपके लिए मुमकिन कर देगा खुदा आपके लिए वाजे कर देगा मुहैया कर देगा क्योंकि खुदांद का कलाम फरमाता है कि अब्राहम की जिंदगी में ये मुकाशफा खुला कि खुदा ने फरमाया कि मैं मुहैया करूँगा मेरा नाम यह हो है अगर आपके पास खुदा है तो आपके पास सब कुछ बर वक्त मिलने की उम्मीद भी है और इसीलिए आप सब के लिए ये पैगाम है कि एक छोटी झाड़ी जिस पर मैं गौर कर रहा था कि शायद मूसा जब वो भेड़ बकरियां चराता था अपने सुसर की और अपने सुसर की भेड़ बकरियां चराता शायद कई बार उस झाड़ी के करीब से गुजरा होगा वो झाड़ी पर उसने कभी निगाह भी ना की होगी अजीजो आप अपने आप को कभी भी कमतर मत समझिएगा अपने आप को ना चीज मत समझिएगा अगर आप खुदा के प्लान और अगर आप खुदा की नजर में हैं आप अगर झाड़ी की तरह छोटे भी हैं तो जिस दिन खुदा आपके अंदर आएगा तो आपकी कदर कीमत आज चेक करिएगा हजारों साल पहले की बात है कि एक झाड़ी में खुदा उतरा था और आज इस मौजूदा दौर में भी उस झाड़ी का जिक्र हो रहा है शायद उसमें कोई फल नहीं था शायद उसके पत्ते भी ना हो शायद उसको कभी किसी शख्स ने इवन मूसा ने कभी बोदर ना किया हो कि ये कौन सी झाड़ी है कभी देखना मुनासिब ना समझाओ आज हर एक शख्स उस झाड़ी का जिक्र करके खुदा की तारीफ करता है अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा है तो खुदा आपको एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है अपने आप को कभी भी ना उम्मीद ना करिएगा खुदा के हमेशा मुंतज़र और ताबे रहिएगा पत्र से के खात में लिखा है कि खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो आज़िज़ रहो झुके रहो वक्त आने पर वो तुम्हें सरफराज करेगा आज मेरा पैगाम है पहला नुकता खुदावंद के इंतज़ार में रहे खुदा के वक्त के मंतजर रहें, खुदा वक्त पर आपको बहुत बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा और दूसरा नुकता पहला नुकता कि झाड़ी खुदा के रहने की जगह बन गई दूसरा नुकता उस झाड़ी में से कि वो झाड़ी खुदा के रहने ही की जगह नहीं बल्कि खुदा की एक मैसेंजर एक पैम्बर बन गई है वो गवाही देने लग गई है झाड़ी में से खुदा बोल रहा है आज पैगाम है आप सब के लिए अगर आप अपने आप को आजिज़ कर देंगे खुदा के ताबे कर देंगे उसकी हजूरी में झुका देंगे तो फिर आप सिर्फ नामवर नहीं होंगे आप सिर्फ प्रोमिनेंट नहीं होंगे आप सिर्फ देखे या सुने नहीं जाएंगे बल्कि खुदा आपके अंदर से कौमों कबीलों उमतों के लिए कलाम करना शुरू कर देगा खुदा आपके वसीले ज़रूर बोलेगा खुदा आपके वसीले आपके बच्चों के लिए बीवी के लिए शोहर के लिए उमतों के लिए मुआशरे के लिए खानदानों के लिए और कौमों के लिए ज़मीन की इंतहा के लिए खुदा आपके अंदर से होकर दूसरों की बरकत का कलाम नाजिल करेगा लेकिन कब जब हम अपने आप को खुदा की जूरी में रखेंगे जब हम अपने आप को आजिज़ करेंगे और हम खुदा के गवाह बन जाएंगे और इसी तरह तीसरा नुकता इस झाड़ी में से कि जब आप अपने आप को झुकाएंगे आजिश करेंगे ना सिर्फ आप गवाह बनेंगे बल्कि आपके वसीले से आपके सराउंडिंग की आपके गिरदोनवा नवा आपके इर्द गिर्द की जगह और लोग भी बरकत पाएंगे लिखा है कि खुदावंद की आवाज आई उस झाड़ी में से ए मूसा अपनी ए जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है क्योंकि मैं इस झाड़ी में उतरा हुआ हूँ अब झाड़ी एक फासले पर थी लेकिन झाड़ी से कुछ और क़दमों तक खुदा की पाकीजगी थी खुदा की हजूरी और अनटिंग थी यकीन जब आप अपने आप को झुका देंगे तो खुदा की हजूरी आपके वसीले से आपके खानदान आपके माशरे आपके चर्च और पूरी दुनिया में जाना शुरू होगी आपके वसीले खुदा दुनिया को तब्दील करना चाहता है खुदा आपके वसीले आपके खानदान को बरकत देना चाहता है लेकिन मेरे अजीजों बड़ी खूबसूरत आयत कलाम मुक़दस में अमाल की किताब में लिखी है एक दारोगा जिसने पोलस को सैलास को कैद कर रखा है और मारता है और इजा देता है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रूहल कुद्स की मामूरी से फरिश्ते की खुदा की कुदरत के वसीले से जब फरिश्ते ने सारी जेल हिला के खोल दिए ताले तोड़ दिए आज़ादी मिल गई है तब एक दारोगा पूछता है मेरे अजीज़ो ए साहिबो बताओ मैं क्या करूँ कि न जा उसे कहा कि खुदावंदुमसी पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा युमसी के वसीले से ना सिर्फ आप बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे जुड़े हुए लोग भी बरकत पाएंगे मेरे जिजो बड़ी खूबसूरत एक मिसाल आदम की मैं देना चाहता हूँ बागन में जब तक आदम खुदा की प्रेजेंस में था जब तक आदम खुदा की हजूरी में रहता था तब तक सारी चीज़ें उसके ताबे थीं और सब कुछ बाबरकत था उसके लिए लेकिन जैसे ही वो खुदा की हजूरी से निकला तो वही ज़मीन जो उसके लिए कभी फल पैदा करती थी उसके लिए ऊँट कटारे उगने शुरू हो गए अगर आपकी ज़िंदगी में भी गुनाह है आप खुदा की हजूरी से भागे हुए हैं तो मेरे चीज़ों ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे भी आपके वसीले से सजाओं में कमियों में घाटे में रहेंगे आइए आपके लिए आज पैगाम है आइए खुदा की हजूरी में लौट आएँ आइए तोबा करिएगा अपने गुनाह से आइए अपने आप को खुदा की जुरी में झुका दें आप ना सिर्फ खुदा के रहने की जगह बनेंगे बल्कि आपके वसीले खुदा दूसरों को अपना पैगाम भी सुनाएगा ना सिर्फ पैगाम सुनाएगा बल्कि आपके होने से हालात और जिंदगियां भी बदलना शुरू हो जाएंगी आप जिस अदारे में हैं यूसुफ को याद करिएगा खुदा यूसुफ के अंदर था खुदा यूसुफ के साथ था तो पूरा मिसर यूसुफ के वसीले से पूरी खोरेश और अनाज के साथ भरा हुआ था अगर आप जिस जगह पर होंगे और खुदा आपके अंदर होगा आप जिस अदारे में हैं वो अदारा बरकत पाएगा आप जिस खानदान में हैं वो खानदान बरकत पाएगा आप जिस शख्स के साथ आपके दो सहबाब आपके वसीले बरकत पाएंगे ना सिर्फ दो सहबाब बरकत पाएंगे बल्कि गैर कौमें भी यसुमसी के पास आना शुरू हो जाएंगी कि ये खुदा के लोग हैं खुदा इस क़लाम के वसीले आपको बड़ी बरकत दे गॉड ब्लेस यू